अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में इंदिरा गांधी की कर दी थी बोलती बंद। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अस्पताल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मृत्यु हुआ है। बता दें कि बीती 11 जून से अटल बिहारी वाजपेयी एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में अपने भाषण में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बोलती बंद कर दी थी। प्रतिपक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक नैतिकता का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी संसद में चल रही बैठक के दौरान कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में अल्पमत की सरकार थी, किसी ने उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया कि वो नैतिकता का उल्लंघन कर रही हैं। श्री नरसिंह राव भी अल्पमत की सरकार चलाते रहे थे, उस अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए क्या क्या किया गया इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर प्रतिपक्ष मेरे बहुमत को कसौटी पर कसना चाहता था तो स्वयं प्रस्ताव ला सकता था। महामहिम राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने के बजाय प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव क्यों लाया? जब राष्ट्रपति जीने की आपको विश्वास प्राप्त करना चाहिए तो हम तत्काल तैयार हो गए। दो दिन बहस चली है, अब समाप्ति होने जा रही है। हम संसार को सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावे करते हैं और हैं भी। हमारी संसद देखकर अभी अभी जो देश लोकतंत्र की धारा से जुड़े हैं वो क्या अनुभव करते होंगे, इसकी सहज की कल्पना की जा सकती है। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपों और प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा? आरोप लगाए जाएं तो उनकी पुष्टि में कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रेस में जो छपता है उसे दोहरा दिया जाए, ये एक तरीका हो सकता है। ये कोई कारगर तरीका नहीं है।